नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, ये जो HPSC जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, जैसे कि आपको पता है इनके द्वारा 21 तारीख को SCS का जो एग्ज़ाम लिया जाना है, तो उसके एडमिट कार्ड दोबारा से आपने डाउनलोड करने होंगे। जिसने भी जो डाउनलोड कर लिए हैं, प्रिंट निकाल लिया है, तो दोबारा से जो है इन्हें अपने एडमिट कार्ड निकालने होंगे। और इसके साथ ही दो महत्वपूर्ण जो नोटिस है वो यहाँ पर आए हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि पहले भी जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे, अब दोबारा से जो आपको एडमिट कार्ड ये निकलवाने पड़ेंगे, और इसी को लेकर जो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो नोटिस है ये जारी हुए हैं। तो इसके लिए आप जो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिस है, ये जो HPSC जॉइन की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आ चुका है। और ये देख सकते हैं SSXBR एंड अदर अलाइड सर्विस प्री एग्ज़ाम 2022 अनाउंसमेंट, और इसमें क्या कहा गया है। और ये आप देख सकते हैं, इट इज़ हेयर बाय अनाउंसमेंट ऑफ द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ SSXBR एंड अदर अलाइड सर्विस 2022 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट। और ये पब्लिश डेट थी 9/2/23, फ्लोइंग बाई कॉन्ग्रेंडम डेट थी 7/3/23, दैट द कमीशन हैज़ अपडेटेड द फॉर्मेट ऑफ एडमिट कार्ड एंड इंसर्टेड QR कोड। तो यहाँ पर जो ये QR कोड जो है पहले नहीं था, तो वो अब यहाँ पर जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी परपज के कारण, जैसे आपने देखा ही होगा जो हाल ही में जो HSC जहाँ उनके द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं, तो उन पर क्या है QR कोड दिया गया है। तो इसी तरीके का एक QR कोड जब HPSC ने भी जारी किया गया है सिक्योरिटी के कारण से, तो ये देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो यहाँ पर वो एडमिट कार्ड पर नहीं था, तो अब जो है यहाँ पर QR कोड दे दिया गया है। द लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ द अपडेटेड एडमिट कार्ड जिसमें हैविंग QR कोड प्रिंटेड ऑन इट फॉर SSXBR एंड अदर अलाइड सर्विस प्री एग्जाम 2022 विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 21/5/23 संडे हैज बीन सेंड टू ऑल कैंडिडेट्स। तो ये क्या है, सभी के पास ये शायद मैसेज भी आ चुका होगा, विच इज़ शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन, जो 21 तारीख को होना, हैज़ बीन सेंड टू ऑल कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये मैसेज है उनकी रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस पर भी आ गया होगा। अगर आपने चेक नहीं किया है तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। मेंशन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो डाउनलोड द अपडेटेड एडमिट कार्ड फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ये वाली जो वेबसाइट है जिस पर हम इस समय हैं। ऑल द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड देयर अपडेटेड एडमिट कार्ड थ्रू द सेड लिंक एंड प्रोड्यूस द सेम एज द एग्जामिनेशन सेंटर। तो जिसने भी पहले जो एडमिट कार्ड ये प्रिंट निकाल लिए हैं, तो उन्हें जो अब दोबारा से अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकलवाना होगा, क्योंकि इस पर जो QR कोड है वो दिया गया होगा। तो ये आप जरूर देख लें। तो ये तो यहाँ पर पहली अपडेट थी, और जो दूसरी अपडेट है वो भी देख लेते हैं। और ये जो हमारी दूसरी जो अपडेट है वो भी आ चुकी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट, और इसमें जो है यहाँ पर क्या कहा गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इसमें कहा गया है। इन व्यू ऑफ द सीरियल नंबर 4 ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स मेंशन इन द एडमिट कार्ड, इट इज़ हेयर बाय रिटेल्ड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपीयर इन SSXBR एंड अदर अलाइड सर्विस प्री एग्जाम 2022 जो आपका ये 21 तारीख को होने वाला है संडे को। दर द एंट्री टू द एग्जाम सेंटर इज स्ट्रिक्टली प्रिमिसेबल एंड अगेंस्ट द एडमिट कार्ड अलोंग विद ओरिजिनल वन ओरिजिनल ID प्रूफ एंड पेन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, यूज ऑफ पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर ये जो नोटिस जो आया है ये स्पेशल जो उसके लिए आया है कि आपको पेन जो है अपने साथ ही जा ले जाना होगा। आपको एग्जाम सेंटर पर पेन जो वो नहीं दिया जाएगा, और पेन आपने अपने आप ही ले जाना होगा, कोई सा भी ब्लैक या फिर ब्लू, और साथ में वन ओरिजिनल ID प्रूफ वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन ब्लू और ब्लैक टू अटेम्प्ट दी सैड एग्जाम, नो पेन विल बी प्रोवाइड बाय द कमीशन। तो पेन जो है यहाँ पर ये नहीं दिया जाएगा, पेन अपने आप ही आपने ले जाना होगा। और ये तो जो है यहाँ पर दो ये महत्वपूर्ण नोटिस हाल ही में जारी हुए हैं, और अब हम इनकी जो
जो मेन जो वेबसाइट है हम उस पर चलते हैं और देखते हैं कि आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम जो साइट है उस पर वापस आ चुके हैं। तो सेम वैसे ही प्रक्रिया रहेगी जैसे आपने पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर जो लिंक है वो दिया गया है, ये देख सकते हैं, क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एस सी एस एक्स बी आर एन अदर अलाइज सर्विस प्री एग्ज़ाम 2022। ये जो लिंक है इसी के ऊपर ही आपने क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको एक ये इस प्रकार का लिंक दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो ये लिंक आपको यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई देगा, ये जो क्लिक हेयर है इसी के ऊपर ही आपने क्लिक करना होगा। तो उसके बाद जो आपके सामने इस प्रकार का पेज जो सामने आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड पोर्टल, और यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, और डाउनलोड करने का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है और इसी के ऊपर ही आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपको इस पेज पर लेकर आएगा, यहाँ पर लॉगिन आईडी, नेम, और उसके बाद दोबारा से डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर होगा और इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। तो डाउनलोड होने के बाद ये वाला पेज जो आपके सामने आएगा और यहाँ पर कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और वैसे ही सेम 8:30 बजे जो यहाँ पर मॉर्निंग सेशन में और 1:30 PM जो इवनिंग सेशन, इनमें इनकी एंट्री यहाँ पर रहेगी। प्लीज़ नोट द एंट्री इनटू द एग्जाम सेंटर विल बी स्टार्टेड 8:30 AM मॉर्निंग एंड 1:30 PM इवनिंग सेशन, और एंट्री विल बी क्लोज 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल जो यहाँ पर एग्ज़ाम दिया गया है, 9:50 AM फॉर मॉर्निंग सेशन एंड 2:50 फॉर इवनिंग सेशन में। और जो भी कुछ नियम वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जब पहले वाले ही हैं। तो यही जो हाल ही में 2 महत्वपूर्ण अपडेट HPSC के द्वारा जारी की गई है, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।